बात करते हैं ITC की। एंड अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आप ITC में इन्वेस्ट कर सकते हो। ITC LTD जो कंपनी है, ये एक्चुअली आपका क्लासमेट का जो नोटबुक है वो बनाती है। बाकी भी क्लासमेट का जो नोटबुक है वो काफ़ी चलन में है, ठीक है। एक प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी बच्चे क्लासमेट का नोटबुक यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाहो तो ITC कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ITC LTD में। बात करें इसके शेयर प्राइस की, तो अगर मैं आपको 1 मंथ का चार्ट दिखाऊँ इसमें क्लिक करके, तो 1 मंथ में इसने 3.62% रिटर्न दिया है, +9.95 गया था। और मोर पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं 5 ईयर्स पे क्लिक करता हूँ, तो 5 ईयर्स पे इसकी चार्ट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया रिटर्न दिया था इसने। अब देखिए, ये तो था पास्ट का बात ITC LTD को लेके। बात करते प्रेजेंट को लेके, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या मानना है एक्सपर्ट का ITC LTD को लेके। अगर प्रेजेंट फ्यूचर की बात करें तो देखिए, एक्सपर्ट जो कह रहे हैं ITC LTD को लेके, वो ये है कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस जो है फिर से इंक्रीज़ हो सकता है। और काफ़ी एक्सपर्ट ऐसे हैं जिन्होंने ITC LTD इस को क्या बोलते हैं, अपने लिस्ट में रखा है, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में रखा है, ठीक है। काफ़ी सारे एक्सपर्ट ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि आने वाले टाइम पे ITC LTD काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बाकी बाय करना आपके ऊपर है। मैंने बस आपको एक सिंपल सा वीडियो बताया है कि आप चाहो तो ITC LTD बाय कर सकते हो, क्योंकि क्लासमेट का नोटबुक बनाती है और बहुत सारी ब्रांड बनाती है, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट की सोच रहे हो 1-2 साल की, तो मैं आपको ITC LTD सजेस्ट कर सकता हूँ। बाकी इन्वेस्टमेंट करना आपके ऊपर है।